आपके स्क्रीन पे एक पॉपअप हुआ होगा, उसको गॉट इट कर दीजिए ना। वंडर किड कंपटीशन जो है वो टोटली बेस्ड आपके दो चीजों पे है, पहला डिसीजन एंड दूसरा आपका टाइम मैनेजमेंट। क्यों? मैं व्हाइट बोर्ड शेयर कर रहा हूं आपको, सारी डिटेल इन द रिटन आप लिख सकते हो, नोट कर सकते हो। सबसे पहली चीज, बॉब वंडरहिट कंपटीशन जो है वो नेशनल कंपटीशन है और इसमें आपकी रैंकिंग तो होती ही होती है, बट साथ में आपके स्कूल्स की भी रैंकिंग की जाती है। आपकी परफॉर्मेंस के बेस पे स्कूल को पॉइंट्स दिए जाते हैं फॉर एवरी स्टूडेंट, जिसके बेस पे उनकी रैंकिंग नेशनल रैंकिंग की जाती है। ठीक है, नाउ इस कंपटीशन में टोटल चार सेक्शन होते हैं, फोर सेक्शन, देयर इज फोर सेक्शन। सेक्शन फर्स्ट इज मेंटल मैप, सेकेंड इज लॉजिकल एबिलिटी, थर्ड इज जीके, फोर्थ इज स्पीड हैंड राइटिंग। ठीक है, ये चार सेक्शन होंगे, मेंटल मैथ, लॉजिकल और जीके। इन तीनों में 40-40 क्वेश्चंस आएंगे। कितने? 40 क्वेश्चंस मेंटल मैथ में, 40 क्वेश्चन इन लॉजिकल एंड 40 क्वेश्चन इन जीके। स्पीड हैंड राइटिंग में आपको पैराग्राफ दिया जाएगा जिसको आपको सिंपली नोट कॉपी करना है अपने आंसर शीट में। ठीक है, इन चारों सेक्शन को करने के लिए आपको टोटल 40 मिनट्स मिलेंगे। कितनी मिनट्स? 40 मिनट्स फॉर डूइंग एंड 5 मिनट्स फॉर रीडिंग। 5 मिनट आपको रीड करने के लिए मिलेगा क्वेश्चन पेपर, जिसमें आप पेंसिल यूज नहीं कर सकते, पेन या पेंसिल। 40 मिनट्स आपको पेपर करने के लिए मिलेगा। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा कि टाइम मैनेजमेंट इसमें बहुत जरूरी है, बिकॉज किस सेक्शन को आप चूज करते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो 5 मिनट से जो रीडिंग का है ये डिसाइड करेगा कि अगले 40 मिनट्स आपके जो कंपटीशन के वो कैसे जाने वाले। अगर इस 5 मिनट्स का आपने सुटेबल यूज किया तो अगले 40 मिनट्स बहुत अच्छे जाने जाएंगे। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, नेगेटिव मार्किंग। आपकी क्लास में नेगेटिव मार्किंग भी होगी। नेगेटिव मार्किंग का मतलब कि अगर आपने कोई भी सम सही किया तो आपको मिलेंगे 2 मार्क्स, बट कोई क्वेश्चन रॉन्ग किया तो मिलेंगे -1 मार्क्स। आपने उसे छोड़ दिया तो कोई दिक्कत नहीं, उस पर 0 ही मार्क्स मिलेंगे, कोई मार्क्स डिडक्शन नहीं होगा। बट अगर गलत हुआ तो -1। इट मीन्स कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपने 10 सम्स किए तो 10 सम्स करेक्ट किए तो 20 मार्क्स, और अगर 5 रॉन्ग कर दिए तो -5, तो टोटल हो गया आपका 15 मार्क्स। बट जो 5 क्वेश्चन आपने रॉन्ग किए उसको आप अगर छोड़ देते हैं, आप उसे नहीं अटेंड करते हैं, तो कोई मार्क्स डिडक्शन नहीं किया जाएगा, ये 20 के 20 आपके एज इट इज रहेंगे। दैट्स व्हाई मैंने कहा कि डिसीजन जो आपका होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग, बिकॉज जो क्वेश्चंस आएंगे वो ऑप्शनल आएंगे, ऑप्शन बेस्ड, आपको ए बी सी डी किसी एक ऑप्शन को चूज करना है। तो सही ऑप्शन चूज करेंगे तो 2 मार्क्स मिलेंगे, ऑप्शन गलत चूज किया तो -1, छोड़ क्वेश्चन को छोड़ देंगे तो कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं किया जाए। ठीक है, तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल करके जो आप किसी भी टिक मार देते हो ना वो नहीं करना। ठीक है, जो 40 मिनट्स और 5 मिनट्स रीडिंग का जो होता है, 5 मिनट्स रीडिंग का कैसे करना है उसको सुटेबल यूज करना है आप, वो कैसे होगा वो मैं आपको बता दे। 5 मिनट्स जो आपको मिलते हैं उसमें आपको रीड करना होता है। अब उसमें आप क्या रीड करेंगे? आप उसमें सिर्फ और सिर्फ जीके रीड करेंगे, जीके के, क्योंकि तो जीके एक ऐसा पोर्शन है जिसमें आप 100% कंफर्म होते हो कि ये क्वेश्चन मुझे आता है और दूसरा क्वेश्चन मुझे नहीं आता।
या तो आता है या तो नहीं आता, यही चीज होती है उसमें, कोई कंफ्यूजन दूसरी नहीं होती है। मेंटल मैथ स्पीड राइटिंग आप पढ़ नहीं सकते, कोई फायदा नहीं उससे पढ़ने का। लॉजिकल आप रीड कर सकते हो, लेकिन लॉजिकल ये जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये है कि लॉजिकल क्वेश्चन दिखने में बहुत आसान कभी कभी लगते हैं, बट वो बहुत टाइम ले लेते हैं, उसको सॉल्व करने में बहुत टाइम लग जाता है। और कभी कभी होता है कि लॉजिकल के क्वेश्चन हमारे हिसाब से तो सही होते हैं, बट जरूरी नहीं कि वो सही ही। उसके रिगार्डिंग में अभी क्वेश्चन पूछूंगा, आपको समझ आ जाएगी क्यों मैंने ऐसा किया। तो लॉजिकल एबिलिटी को आपको टच नहीं करना, मेंटल मैथ स्पीड इनको भी टच नहीं करना। उन 5 मिनट्स के टाइम में आप सिर्फ और सिर्फ जीके पढ़ेंगे, और जैसे ही 40 मिनट का टाइम स्टार्ट होगा आपको जीके करना शुरू कर देना है, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है कि आपको मेंटल मैथ पहले दिया है तो मेंटल मैथ ही पहले करना, आप जीके पहले कर सकते। ठीक है, तो जीके पहले करेंगे आप, जीके के जो सम जो क्वेश्चंस आपको आते हैं सिंपली उसका करेक्ट ऑप्शन लिख देंगे, जो नहीं आते छोड़ दीजिए, उसे अटेम्प्ट मत करिए, गेसिंग करके अटेम्प्ट मत करिए, तो गलत हुआ तो -1 हो जाएगा। आप अभी रेज हैंड मत करिए, मैं सारे डाउट सभी क्लियर करूंगा, डोंट वरी। तो जीके आप पहले पढ़ेंगे, उसे करेंगे, सेकेंड में आप मेंटल मैथ, क्योंकि मेंटल मैथ एक ऐसा पोर्शन है जिसमें आप 40 के 40 सम्स कर सकते हैं। फॉर द थर्ड एंड फोर्थ क्लास मेंटल मैथ में सिर्फ एडिशन सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन ही आएगा, डिवीजन नहीं आएगा। ठीक है, तो मेंटल मैथ सेकेंड पे, थर्ड पे आप स्पीड हैंड राइटिंग करेंगे, फोर्थ पे आप लॉजिकल एबिलिटी करेंगे। पैटर्न ये होगा, लॉजिकल एबिलिटी लास्ट में, जीके फर्स्ट पे, मेंटल मैथ स्पीड हैंड राइटिंग सेकेंड थर्ड पे रहेगा। आप उसमें आपकी मर्जी है कि आप सेकेंड पे स्पीड हैंड राइटिंग करते हैं या मेंटल मैथ, उसमें कोई दिक्कत नहीं। क्लियर, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। इन सभी अब स्पीड हैंड राइटिंग की प्रिपरेशन कैसे की जाए, मैंने आपको बता दिया कि इंट्रोडक्शन की क्या है, कैसा है कंपटीशन, किस तरह प्रैक्टिस आप करेंगे, लेकिन स्पीड हैंड राइटिंग या इसकी प्रैक्टिस होगी कैसे, इसकी इसको इम्प्रूव किया जाए कैसे, उसका आंसर सिंपल है। आपको डेली दिन भर में 3 मिनट निकालने, कितने देर, 3 मिनट, 1 मिनट फॉर द मॉर्निंग, 1 मिनट इन द नून, 1 मिनट इन द इवनिंग, और लिखना क्या है, सिर्फ ये ABCDEF GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ठीक है, ये आप कितनी बार लिख सकते हैं, 1 मिनट में आप इसको कितनी बार लिख सकते हैं। ठीक है, एक बार लिख सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं, या 3 बार लिख सकते हैं, 4 बार लिख सकते, कितनी बार लिख सकते हैं। ठीक है, एक बार मॉर्निंग में करिए 1 मिनट, फिर नून में, फिर इवनिंग, सेम चीज, 1 1 मिनट का टाइमर लगाइए और करिए, ये कितनी बार A to Z आप लिख सकते हैं। ठीक है, जस्ट अ मिनट। ओके, आई एम बैक नाउ। तो स्पीड राइटिंग के बारे में इतना ही डिटेल है, इसकी प्रैक्टिस इसी तरीके से आपको करनी है। 1 मिनट मॉर्निंग, 1 मिनट इन द नून एंड 1 मिनट इवनिंग। ठीक है, मेंटल मैथ, जीके और लॉजिकल, इसकी प्रैक्टिस आप प्रैक्टिस पोर्टल के थ्रू करेंगे। जो प्रैक्टिस पोर्टल आपको दिया जाएगा, अभी बताऊंगा कि कैसे उसको ओपन करना है, क्या क्राइटेरियाज वगैरह, वो सारी चीज मैं आपको भी डिटेल दे रहा हूँ। तो प्रैक्टिस पोर्टल को ओपन करने के लिए सबसे पहले ये साइट का नाम नोट कर लीजिए, दैट इज BOBWonderKid.com। ठीक है, गूगल क्रोम ओपन करिए, वहां पर ये टाइप करिए BOBWonderKid.com, ऑप्शन आएगा ऑलरेडी रजिस्टर्ड लॉग इन, ये ऑप्शन आएगा, इस पे क्लिक करिए, वहां पर वो पूछेगा एंटर द एनरोलमेंट आईडी। तो उस एनरोलमेंट आईडी में आप सिंपली 5 टाइम्स 3 टाइप करेंगे,
पासवर्ड में आप टाइप करेंगे bobwk23@3, ठीक है, ये आप टाइप करेंगे पासवर्ड में। अगर किसी को कोई डाउट होगा आप इस नंबर पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, आपको आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा, एनी टाइप ऑफ डाउट, एनीथिंग, ठीक है। क्लियर? कोई भी डाउट हो आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज, प्लीज कॉल मत करिएगा, कॉल्स नहीं उठेंगी, तो सिर्फ मैसेजेस के रिप्लाई किए जाएंगे। मैसेज पे अगर रिप्लाई नहीं हो पाएगा आई विल कॉल यू, बट प्लीज आप कॉल मत करिए, ठीक है। इनरोलमेंट आईडी पासवर्ड आप नोट कर सकते हैं ना। अब डायरेक्टली चलते हैं हम गूगल क्रोम, ठीक है। गूगल क्रोम हम ओपन करते हैं और उसमें मैं आपको करके दिखाता हूं कि कैसे हो। गूगल क्रोम मैंने ओपन कर रखा है। आप लैपटॉप में अगर गूगल क्रोम में यहां पर bobwk.com डालते हैं तो देखिए कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा, ऑलरेडी रजिस्टर्ड लॉग इन, ये ऑप्शन डायरेक्टली आ रहा है। बट अगर फोन में आप टाइप करेंगे bobwk तो कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा, ठीक है। सिंपली आप टाइप करिए bobwk2023, फोन में टाइप करेंगे तो ये bobwk2023 पहला ऑप्शन जो है उसी पे क्लिक करिए, डायरेक्टली आप इनरोलमेंट आईडी और पासवर्ड वाले पेज पे पहुंच जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर पूछ रहा है इनरोलमेंट आईडी पासवर्ड, लैपटॉप में ऑलरेडी रजिस्टर्ड पे क्लिक करेंगे तब यहाँ पहुंच जाएंगे। तो दोनों जगह से आप सेम जगह पे पहुंचेंगे, चाहे वो लैपटॉप से ओपन करें चाहे आप फोन से ओपन करें। यहाँ इनरोलमेंट आईडी डालिए, पासवर्ड में सेम जो मैंने बताया bobwk23@3, ठीक है। देन क्लिक ऑन लॉग इन, लॉग इन करते ही आपके सामने देखिए ये डैशबोर्ड ओपन हो गया। ये डमी आईडी है जो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए यूज होगी, इसमें पेपर नहीं होगा, पेपर आपका ऑफलाइन होगा इन योर स्कूल, ठीक है। 12 अगस्त को इन AR जयपुर या स्कूल, एंड 12 अगस्त के आसपास या हो सकता है 12 अगस्त को ही इन द MR जयपुरिया स्कूल, दोनों स्कूलों में सेम डेट पे हो सकता है पेपर, ठीक है ना। आपको ऑफलाइन देखना है, सेट करना है, तो आप यहां से देखिए डाउनलोड प्रैक्टिस बुकलेट यहां से डाउनलोड कर सकते हैं, और मॉक पेपर डायरेक्टली चाहते हैं तो मॉक पेपर पे डायरेक्टली जा सकते हैं, ठीक है। प्रोग्रेस चार्ट देखना है, प्रोग्रेस चार्ट यहां से देख सकते हैं, देखिए ये पूरा ग्राफ बन जाएगा। मैंने प्रोग्रेस चार्ट की इसलिए बात की क्योंकि नेक्स्ट 15 से लेकर 20 जून के बीच में आपको आपका पर्सनल इनरोलमेंट आईडी और पासवर्ड आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है, जिससे आप अपनी खुद की पर्सनल सारी चीजें प्रोग्रेस रिपोर्ट देख सकते हैं, ठीक है। ऑफलाइन प्रैक्टिस बुकलेट में यहाँ पर आपके पास जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं वो यहाँ पर अपलोडेड हैं, उसे आप देख सकते हैं कि मेंटल मैथ के क्वेश्चन इस तरह हैं, मल्टीप्लीकेशन है, एडिशन सबसेक्शन है, डिवीजन नहीं हो फॉर द थर्ड एंड फोर्थ क्लास, डिवीजन इज नॉट देयर। फिर लॉजिकल के क्वेश्चन कैसे हैं, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन कैसे हैं, एंड स्पीड एंड राइटिंग के लिए देखिए यहाँ पर सामने द एलिफेंट रो, ये एक स्टोरी आपके सामने दी है, आपको सिंपली उसको कॉपी करना है, वो स्टोरी याद करके आपको नहीं लिखना है, सिंपली आपके सामने रहेगा, आपको सिर्फ लिखना है उसे, कॉपी करना। और आंसर शीट कुछ इस तरह होगा, जो सॉल्यूशन सेट दिया हुआ है आंसर शीट आपको कुछ इसी तरह मिलेगी, जिसमें सिर्फ करेक्ट ऑप्शन भरना है, ABCD जो ऑप्शन है वो फिल करना, ये नहीं कि अगर ऑप्शन ए का आंसर 54 है तो 54 लिखा, 54 नहीं, ऑप्शन कौन सा करेक्ट है उसको बस लिखना है, ठीक है। फिलहाल हम डैशबोर्ड पे चलते हैं, तो मॉक पेपर पे क्लिक करिए, देखिए यहां पर आ गया, अब कंटिन्यू बटन यहां पर आ रहा है, लेकिन वो तब तक एक्टिव नहीं होगा जब तक आई हियर बाय प्लेस टू कंडक्ट माई सेल्फ विद
विद हाईएस्ट इथिकल स्टैंडर्ड, इस पे क्लिक करिए, देन कंटिन्यू। क्लिक किया, आप देखिए यहां पर सारे इंस्ट्रक्शन आ गए। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 120, 40 ईच इन मेंटल मैथ लॉजिकल एंड जनरल नॉलेज। टोटल टाइम 40 मिनट्स। स्पीड टाइपिंग यहां पर दी हुई है, तो आप स्पीड टाइपिंग नहीं करेंगे। मैं बार बार कह रहा हूं, स्पीड टाइपिंग नहीं की जाएगी। कंपटीशन आपका ऑफलाइन होगा, ठीक है। अभी ये पोर्टल इसलिए आपको प्रोवाइड किया है कि आप अपने आप को इंप्रूव करें और अपनी नॉलेज को इंक्रीज करें, ठीक है। मार्किंग स्कीम, ईच करेक्ट आंसर 2 मार्क्स, ईच रॉन्ग आंसर -1। आंसर करेक्ट होगा तो 2 नंबर मिलेंगे, गलत हुआ तो -1 मिलेगा, ठीक है। यू कैन आंसर क्वेश्चन ऑफ एनी सेक्शन ऑफ योर चॉइस फर्स्ट। यू आर ऑल्सो अलाउड टू स्किप अ क्वेश्चन एंड कम बैक टू इट लेटर। आप किसी भी सेक्शन को अपनी चॉइस के हिसाब से पहले कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया कि कोई कंपल्सेशन नहीं है कि आपको पहले मेंटल मैथ ही करना है। पहले मेंटल मैथ दिया तो पहले मेंटल मैथ ही करना है, ये कंपल्सरी नहीं, ठीक है। ऑनलाइन में नेक्स्ट और प्रीवियस बटन के थ्रू आप क्वेश्चंस के आगे पीछे जा सकते हैं। और यहाँ स्टार्ट टेस्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। एड 31 to 36 एंड सब्सट्रैक्ट 57 फ्रॉम इट। 31, 36 को एड करिए, 57 को लेस करिए उसमें से, तो कितना आएगा, दैट इज 10। तो यहाँ पर 10 आपने आंसर पे क्लिक कर दिया, ठीक है। ये मेंटल मैथ का होगा। आप इसको सॉल्व करते वक्त रफ कॉपी रख सकते हैं साथ में, रफ कॉपी पेन रख करके तब सॉल्व करिए, कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज अभी सिर्फ प्रैक्टिस करनी है आपको, ठीक है। सेकेंड सम, थर्ड सम, ऐसे आप आगे पीछे जा सकते हैं। राइट साइड में देखिए पूरा ऑप्शंस आ रहे हैं आपके सामने, मेंटल मैथ, लॉजिकल, जनरल नॉलेज, स्पीड टाइपिंग। तो स्पीड टाइपिंग नहीं करनी, मैं बार बार कह रहा हूँ, स्पीड टाइपिंग आपको नहीं करनी। मेंटल मैथ, लॉजिकल और जनरल नॉलेज, ये 3 करने हैं। जनरल नॉलेज आप करना है तो डायरेक्टली जनरल नॉलेज पे क्लिक करिए, और यहाँ पे 81 नंबर, तो 81 नंबर उस पर क्लिक करेंगे तो जनरल नॉलेज के सम स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। 82 करना है, 83 करना है, 84 करना है, जो भी आपको करना है आप जा सकते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन आपको आए उसे आप सिंपली यहाँ पर फिल, उसका करेक्ट आंसर यहाँ लिख दीजिए। जो क्वेश्चन आपको नहीं आए, डोंट वरी अबाउट द, उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मम्मी से पूछिए, पापा से पूछिए, कहीं नहीं पूछना। आप मुझे व्हाट्सएप करके सर मुझे इसका आंसर बता दीजिए, मैं जैसे जब भी फ्री होंगे मैं उसका आंसर आपको मैसेज कर दूंगी, इसका आंसर ये, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस आप कैसे करेंगे वो मैं बता दूं। मॉर्निंग में पूरा मेंटल मैथ, लॉजिकल, जनरल, तीनों लेकर के एक साथ नहीं बैठना है आपको। मॉर्निंग में जब आप 1 मिनट की स्पीड हैंडराइटिंग करेंगे तब आप सिर्फ मेंटल मैथ करेंगे। नून में जब आप स्पीड हैंडराइटिंग करेंगे 1 मिनट की, उसके बाद आप लॉजिकल एबिलिटी करेंगे। इवनिंग में जब आप स्पीड हैंडराइटिंग करेंगे तब जनरल नॉलेज सर्च करेंगे। यानी एवरी टाइम 15 मिनट से ज्यादा आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। ब्रेन ओब्रेन का या बॉब वंडरकिंड का एक जो सबसे बड़ा क्राइटेरिया है, हम 15 मिनट से प्रैक्टिस ज्यादा नहीं करना आपको, हम कहते ही नहीं कि 15 मिनट से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। आपकी 15 मिनट की प्रैक्टिस जो होगी वो बेस्ट रिजल्ट देगी आप। इससे ज्यादा आप बैठ तो सकते हैं लेकिन बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आप पे नहीं। तो सिर्फ 15 मिनट्स मॉर्निंग, 15 मिनट्स इन नून, 15 मिनट्स इन इवनिंग, इतनी ही प्रैक्टिस करनी है आपको, इससे ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी। एक बार नहीं, बैठ गए आप 3 बार, 3 मिनट मैंने स्पीड हैंडराइटिंग कर दी, 3 बार मेंटल मैथ कर दिया, लॉजिकल एबिलिटी, जनरल, सब लेके नहीं एक बार में करनी, ठीक है। इससे क्या होगा, आप क्वेश्चन तो देख पाओगे लेकिन उसके आंसर आपको नहीं। और डेली जब आप 10 क्वेश्चन आपको नहीं आए, फॉर एग्जाम्पल, आप उसका आंसर ढूंढोगे तो वो आपको याद हो, जिससे आपकी नॉलेज इंप्रूव हो, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है, क्लियर। नाउ आई एम गोइंग टू स्टॉप शेयर इट एंड स्टॉप।